नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम स्पीडी का वार्षिकांक लेकर के आए हैं, 2022 का अपडेटेड वार्षिकांक। ये स्पीडी जो है मार्च 2021 से लेकर 2 फरवरी 2021 तक की है। आज की क्लास में हम सितंबर माह के सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने ये कंप्लीट सीरीज कर ली तो इससे बाहर पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप 100% अपनी एक सीट जरूर 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 पक्की कर पाएंगे। ठीक है, अगर प्यारे दोस्तों आपने ये सीरीज नहीं की तो आप पक्का पछताएंगे। तो आप इस कंप्लीट सीरीज को करिए और आप अपनी एक सीट 100% जरूर 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 पक्की कीजिए। आपको ये जो क्लास है हमारी लगभग 1 घंटे की लगभग रहेगी, तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड जरूर रहना पड़ेगा। आपको मोटिवेट करने के लिए एक कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, सुनिए जरा ध्यान से। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो समझ चुके हैं आप दोस्तों कि अगर आपको हीरे की तरह चमकना है तो आपको मेहनत स्वयं ही करनी पड़ेगी। आपके लिए कोई और मेहनत करने नहीं आएगा। तो आपको अगर मेहनत करेंगे, जैसी मेहनत करेंगे उसी तरीके से आप समाज में हीरे की तरह चमकेंगे। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है। तो आंसर है पंजाब कैबिनेट। तो पंजाब सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत की है। 1 सितंबर 2021 को जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। तो आंसर है भारत। तो भारत देश जो है एशिया में सबसे ज्यादा हथियार मंगाने वाला देश बन चुका है SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार। 1 सितंबर 2021 को किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ ATM खोला है। तो आंसर है SBI। तो SBI बैंक ने डल झील में जो है तैरता हुआ ATM खोला है। 1 सितंबर 2021 को सवर्ना राय टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, वे कौन है। तो वो जो सवर्णा राय है वो कौन है, लेखक है। कौन थी वो, लेखक है। ठीक है, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 इन्होंने अपने नाम कर लिया है। आगे देखते हैं। 1 सितंबर 2021 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। तो आंसर है बी वेंकट रमन। तो बी वेंकट रमन जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए महानिदेशक बन चुके हैं। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है। तो आंसर है गोवा। तो गोवा सरकार ने जो है पानी बचाओ पानी मुफ्त में पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को पानी मुफ्त में देने की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर 2021 को 100% पात्र आबादी का टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला जिला कौन बना है। तो आंसर है इंदौर। इंदौर जो है 100% टीकाकरण होने वाला अपना जिला बन गया है। आगे देखते हैं। 1 सितंबर 2021 को एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है। तो आंसर है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू को जो है एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के तहत चुन लिया है। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने का रखा है। तो आंसर है नागालैंड। तो नागालैंड जो है 2030 तक 100% साक्षर हो जाएगा, उसने ये लक्ष्य रखा है। 1 सितंबर 2021 को कितने लोगों को रेमेन मैक्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। तो आंसर है 5। तो 5 लोगों को रेमेन मैक्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। 1 सितंबर 2021 को कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिकों को रेमेन मैक्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो आंसर है फिरदौसी कादरी। तो फिरदौसी कादरी को जो है रमन मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के। ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन खोज जो है इन्होंने की थी, कोविड-19 टीके की इन्होंने खोज की थी इसके लिए। आगे देखते हैं। 1 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आंसर है विश्व नारियल दिवस। तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को मनाया जाता है।
2 सितंबर 2021 को बिग बॉस 13 के विनर रहे एक्टर 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो सिद्धार्थ शुक्ला। तो सिद्धार्थ शुक्ला का जो है बिग बॉस 13 के जो कि विनर रहे थे उनका अब हाल ही में निधन हो गया 2 सितंबर को। 2 सितंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच कैजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो आंसर है कजाकिस्तान और भारत। तो देखिए कजाकिस्तान और भारत के बीच कौन सा अभ्यास होता है? कैजिंद KAZIND.21। 2 सितंबर 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के ने साथ क्या नाम है साथ नामक पहल की उद्घाटन किया है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है। 2 सितंबर 2021 को किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो आंसर है आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ ने जो है दुनिया का पहला बेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके। कहाँ की है? यूके की। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। ये रैंकिंग कौन देता है? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा प्रदान दी जाती है ये। 2 सितंबर 2021 को किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषणा की है? तो आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती हुई कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 2 सितंबर 2021 को कोयला खादान में काम करने वाली भारत की पहली इंजीनियर कौन बनी है? तो आंसर है आकांक्षा कुमारी। तो आकांक्षा कुमारी जो है खदान में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बन गई है। ये कहां पर इन्होंने काम करती है? झारखंड में काम करती है। 2 सितंबर 2021 को लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो आंसर है हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ को लद्दाख ने जो है अपना राजकीय पशु घोषित कर दिया है। 2 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया? तो आंसर है भारत और सिंगापुर। तो सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंगापुर के साथ भारत मिलकर के कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास करता है। इसका 28वां संस्करण हुआ था 2 सितंबर को। आगे देखते हैं। 2 सितंबर 2021 को प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर है मिस्र। तो मिस्र जो है मेजबानी कर रहा है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? 21 देश शामिल हैं। ब्राइट स्टार जो है इसका नाम रखा गया है और इसमें बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है। 2 सितंबर 2021 को किस राज्य के राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो आंसर है असम। तो असम के राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया, किसका नाम बदला गया था? औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया था, उसका नाम कर दिया और राजीव गांधी। ठीक है, बस राजीव गांधी जोड़ दिया, पूरा का पूरा वही है। 3 सितंबर 2021 को सबसे ज्यादा गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। 3 सितंबर 2021 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो आंसर है वर्तिका शुक्ला। तो वर्तिका शुक्ला जो है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली सीएमडी बन गई है। 3 सितंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो आंसर है नासा। तो नासा स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने जो है पत्थर का नमूना प्राप्त कर लिया है। आगे देखते हैं। 3 सितंबर 2021 को की गई घोषणा के अनुसार 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है गांधीनगर। तो ये गांधीनगर कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर ही है, तो गांधीनगर में किया जाएगा, है ना। तो 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन। 3 सितंबर 2021 को 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई है? तो आंसर है अवनी लेखारा। तो अवनी लेखारा जो है दो जो है मेडल इन्होंने जीती है, किसमें? पैरालंपिक में। ठीक है, एक तो सभी लोग जीतते ही हैं पर इन्होंने दो जीती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखारा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो कांस्य पदक किसमें जीता है? 15 मीटर राइफल प्री पोजिशन
SH1 में, ठीक है, इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। 3 सितंबर 2021 को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता, एलेजांद्रो प्रीतो ने। तो एलेजांद्रो प्रीतो ने जो है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है। आगे देखते हैं, 3 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। 3 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का निकाला, तो आंसर है 125। तो 125 रुपए का सिक्का निकाला गया किसके किसके मतलब जन्मदिन पर, पीएम मोदी ने निकाला है इस्कॉन के संस्थापक, इस्कॉन जो टेंपल हमारे होते हैं हर जगह पर होते हैं, तो इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर, ठीक है, पीएम मोदी ने निकाला 125 रुपए का सिक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सितंबर 2021 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है, तो आंसर है भारत। तो भारत जो है अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा, करी थी मतलब। 3 से 11, ठीक है, 3 से 11 सितंबर के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस में यह आयोजन किया गया। आगे देखते हैं, 4 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 4 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। 4 सितंबर 2021 को के सूचना अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बनाया गया, तो आंसर है अमकारेश्वर बांध पर, ठीक है, अमकारेश्वर बांध पर। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो अमकारेश्वर बांध पर जो है फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया, विश्व का सबसे बड़ा। 4 सितंबर 2021 को किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा, तो किस हाईकोर्ट ने कहा, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात कही, ठीक है। 4 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर मंजूरी दी है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ओबीसी पर 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। आगे देखते हैं, 4 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी नामक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंसर है पुणे। तो पुणे में जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। 4 सितंबर 2021 को किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है, तो आंसर है इंफोसिस। तो इंफोसिस ने जो है स्प्रिंग बोर्ड नामक अभियान लॉन्च किया है, प्रोग्राम लॉन्च किया है। 5 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया, तो आंसर है केरल। तो केरल सरकार ने जो है योद्धा बने नामक अभियान शुरू किया। 5 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा बाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया, आयुष्मान मंत्रालय। तो आयुष्मान मंत्रालय ने जो है बाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया, ठीक है, सर्वधना सोनेवाल द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 सितंबर 2021 को किस राज्य ने कार्वी आंगलोंग समझौता हुआ, तो देखो किस राज्य में, तो ये हुआ है असम राज्य में। तो असम राज्य में कार्वी आंगलोंग समझौता हुआ है। आगे देखते हैं, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आंसर है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर 2021 को असम के किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, तो आंसर है दीपोर व्हील वन्यजीव अभयारण्य। तो दीपोर झील वन्यजीव अभयारण्य को जो है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया। आगे देखते हैं, 5 सितंबर 2021 को भारत और इजराइल के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत ने किस जहाज में भाग लिया, तो आंसर है INS तवर। तो INS तवर में जो है भारत जो है किस जहाज में था, INS तवर में था, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 सितंबर 2021 को किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो आंसर है मेघालय। तो अब तक मतलब कि 5 सितंबर तक जो है मेघालय में जो है चार्जिंग स्टेशन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की सबसे पहले आधारशिला रखी गई। आगे देख लेते हैं, 5 सितंबर 2021 को किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने
फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया। तो आंसर है रुपी, रुपे जो रुपे नामक पेमेंट प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया। 5 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? पावर ग्रिड ने। तो पावर ग्रिड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीत लिया है। 6 सितंबर 2021 को चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश, मतलब 4 देश है इसमें, कौन सा देश मिल करके साझा भाग के 2021 सैन्य अभ्यास करेंगे? तो आंसर है मंगोलिया। तो मंगोलिया, चीन, पाकिस्तान और थाईलैंड मिल करके साझा भाग के 2021 सैन्य अभ्यास करेंगे। आगे देखें, 6 सितंबर 2021 को ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है माउंट बलबाला है जिस पर ITBP की टीम ने जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। 6 सितंबर 2021 को किन 2 देशों के बीच नौ सैनिक अभ्यास AUSIN DEX का 4था संस्करण हुआ? तो आंसर है भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ये नौसेना अभ्यास हुआ है। ठीक है, देखो इसके नाम में ही दोनों नाम शामिल कर दे। देखो AUS से तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और IND से हो गया इंडिया, ठीक है, और EX से हो गया एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस तरह से पूरा भी जोड़ दिया। 6 सितंबर 2021 को पाकिस्तान प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो आंसर है भारत। भारत जो है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। 6 सितंबर 2021 को लवलीना बारनोहेस किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो आंसर है असम। तो असम की लवलीना बारबोन हेन जो है असम समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। आगे देख लेते हैं, 6 सितंबर 2021 की घोषणा के अनुसार कहाँ विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो आंसर है क्रिकेट, सॉरी कश्मीर। तो कश्मीर में जो है बेलो क्रिकेट बैट को जो है भौगोलिक संकेत दिया गया है, GI टैग दिया गया है। 7 सितंबर 2021 को किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? तो फूलों की खुशबू वाला डामर किसने बनाया? तो पोलैंड देश ने बनाया है। तो पोलैंड देश ने जो है फूलों की खुशबू वाला क्या बनाया? डामर बनाया, जो कि सड़कों पर पड़ता है। 7 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है। 7 सितंबर 2021 को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर 2021 को किस राज्य में भारत का पहला डू डोंग संरक्षण रिजर्व जो है स्थापित किया गया? तो आंसर है तमिलनाडु। आगे देखते हैं, 7 सितंबर 2021 को भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ बनाया गया? तो आंसर है IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन बनाया गया। 7 सितंबर 2021 को बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो अल सालवाडोर। तो अल सालवाडोर जो है बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश बन गया है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर 2021 को किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? गुजरात। तो गुजरात ने जो है वतन प्रेम योजना शुरू की है कब? 8 सितंबर को। 8 सितंबर 2021 को तालिबान के ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो देखो तालिबान ने जो है अफगानिस्तान में अपना नया प्रधानमंत्री किसे बनाया है? मुल्ला असन अखुद को। तो मुल्ला असन अखुद को जो है अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। 8 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। 8 सितंबर 2021 को 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो क्यूबा। तो क्यूबा जो है 2 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है।
8 सितंबर 2021 को कछुआ संरक्षण की संरक्षण में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो आंसर है शैलेंद्र सिंह। तो शैलेंद्र सिंह ने जो है भारतीय जीव विज्ञान में ग्लोबल अवार्ड जीता है कछुआ संरक्षण के लिए। 8 सितंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 8 सितंबर 2021 को किसे सातवां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ द सब्स टॉस अवार्ड मिला है? तो आंसर है नमिता गोखले। तो नमिता गोखले को जो है सातवां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्स टॉस अवार्ड मिला है। 9 सितंबर 2021 को वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है अयान संकटा। तो अयान संकटा को जो है वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कहाँ के? मुंबई के। 9 सितंबर 2021 को भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपेड 2021 जेड पेड 2021 में भाग लिया? तो आंसर है रूस। तो देखो भारतीय सेना और रूस दो लोगों ने मिलकर के सैन्य अभ्यास किया, उस सैन्य अभ्यास का नाम है जेपेड 2021। ठीक है। 9 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा किसने शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। आगे देखते हैं। 9 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगाया गया? तो आंसर है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो है भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगाया गया है। 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस का थीम क्या था? ठीक है, क्या रखा गया? तो हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां, इसी थीम क्या थी? हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हिमालय दिवस की थीम रखी गई थी। ये कब मनाया गया? 9 सितंबर को। 9 सितंबर 2021 को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर है महाकवि दिवस। तो महाकवि दिवस के रूप में सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि तमिलनाडु में मनाई गई। 9 सितंबर 2021 को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ लगाया गया? तो आंसर है आइसलैंड। तो आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट लगाया गया। 9 सितंबर 2021 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 5002 लॉन्च किया? तो आंसर है चीन। तो चीन ने जो है पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह बनाया जिसका नाम है गोफेन 5002। 9 सितंबर 2021 को किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो आंसर है इटली देश ने। कौन से देश ने? इटली देश ने। ठीक है, आंसर क्या होगा? इटली। तो इटली देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है। 9 सितंबर 2021 को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की। 9 सितंबर 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर है मैं भी डिजिटल 3.0। किसने लॉन्च किया है? आवास और शहरी मंत्रालय ने, शहरी मामले के मंत्रालय ने रेहरी और पटरी अभियान शुरू किया है। ठीक है। 10 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर 2021 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो गैर आपराधिक मतलब गर्भपात जो करा रहे हैं वो गैर आपराधिक है, अपराध नहीं है वो। ठीक है, तो किसने किया? मेक्सिको ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 सितंबर 2021 को पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य है। 10 सितंबर 2021 को फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? ब्रिटिश लेखिका सुजेना क्लार्क ने, और उपन्यास इनका कौन सा था? पिरानेसी जो है इनका उपन्यास था। तो पिरानेसी उपन्यास के लिए सुजेना क्लार्क ने जो है फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीत लिया है।
10 सितंबर 2021 को कहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो आंसर राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर साटा गंधव खंड पर। ठीक है, तो NH 925 पर राजस्थान में है ये, बाड़मेर में सट्टा गधम्ब खंड पर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहली भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। 10 सितंबर 2021 को ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति की परीक्षण करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो आंसर है तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है ड्रोन के द्वारा वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरोप्रावलेश अध्ययन शुरू किया है? तो आंसर है केरल। तो केरल सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरोप्रावलेश अभियान शुरू किया है। 11 सितंबर 2021 को देवज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो स्पेन। तो स्पेन में जो है देवा ज्योति मिश्रा ने जो है सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार जीत लिया है। 11 सितंबर 2021 को कहाँ नुआखाई उत्सव मनाया गया? तो आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया। 11 सितंबर 2021 को डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? आंसर है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में डेनमार्क और तमिलनाडु ने ये ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा बनाई है। 11 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है 11 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 11 सितंबर 2021 की आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो आंसर है 11.5%। ठीक है, तो 11.5% जुलाई 2021 तक भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है। 11 सितंबर मतलब जुलाई 2021 से लेकर के 11 सितंबर। ठीक है, 11 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने कहां में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो आंसर है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 12 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर है संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। 12 सितंबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारत टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। 12 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ भारतीय नौसेना उड्डयन का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जीता है? तो आंसर है INS हंसा, गोवा में। ठीक है, तो INS हंसा ने में ये हुआ है। 12 सितंबर 2021 को किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो आंसर है हेमंत धनजी। तो हेमंत धनजी को भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं ये, इनको ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। 12 सितंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज की है? तो आंसर है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो है यूनाइटेड स्टेट्स के वैज्ञानिकों के या विशेषज्ञों के द्वारा सबसे पुरानी बर्फ की खोज की गई है। 12 सितंबर 2021 को कहाँ में नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला बेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? तो आंसर है लुधियाना। तो लुधियाना में नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला बेस्ट मिल्क पंप खोला गया है। 13 सितंबर 2021 को कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र बनाया गया? तो आंसर है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र बनाया गया। 13 सितंबर 2021 को भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो ओपन अर्निंग फर्नरी जो है रिफाइनरी रानीखेत में खोली गई है उत्तराखंड की। तो रानीखेत उत्तराखंड में जो है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। 13 सितंबर 2021 को
स्पन यूएस ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, ये रूस के हैं, ठीक है। तो डेनियल मेदवेदेव ने जो है स्पन यूएस ओपन टेनिस 2021 पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। आगे देखते हैं, 13 सितंबर 2021 को, अब देखो वही है, स्पन यूएस ओपन टेनिस 2021 में महिला खिताब किसने जीता है, एकल महिला खिताब? तो एम्मा रादू कानू ब्रिटेन की है, ये एम्मा रादू कानू ब्रिटेन की है, जिन्होंने जो है यूएस ओपन टेनिस 2021 महिला खिताब, एकल महिला खिताब जीत लिया है। 13 सितंबर 2021 को एंट्री इटेलियन ग्रो प्री किसने जीता है? तो डेनियल रिचार्डो। तो डेनियल रिचार्डो ने जो है 13 सितंबर को इटेलियन ग्रो प्री जीत लिया है। 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप जानते हैं। 14 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने जो है बाजरा मिशन लॉन्च किया है। 14 सितंबर को 2021 को भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो आंसर है अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने मिलकर के क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। 14 सितंबर 2021 को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में। 14 सितंबर 2021 को दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाला पहला गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आंसर है जीव मिल्खा सिंह। तो जीव मिल्खा सिंह जो है दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले गोल्फ खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। 14 सितंबर 2021 को किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो एनओआईएस को जो है यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार दिया गया है। 14 सितंबर 2021 को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक, जिन्होंने सुपर 30 की संस्थापक की स्थापना की थी उनको बोलते हैं आनंद कुमार, उनको जो है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर 2021 को प्रतिष्ठित राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड। तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। 15 सितंबर 2021 को किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? तो बोनी कपूर। तो बोनी कपूर को जो है दुबई का गोल्डन वीजा मिल गया है। 15 सितंबर 2021 को किस किन की जन जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियरिंग दिवस मनाया गया? तो आंसर है सर एम वैश्वर्या। तो सर एम वैश्वर्या को जो है इनकी पुण्यतिथि जयंती पर के उपलक्ष्य में इंजीनियरिंग दिवस मनाया गया, ठीक है। तो 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दी है? तो दूर संचार क्षेत्र में। तो दूर संचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 100% FDI को मंजूरी दे दी है। 15 सितंबर 2021 को प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने जो है प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। 15 सितंबर 2021 को टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीय लोगों को शामिल किया गया है, वो कौन है? तो आंसर है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला को जो है 100 लोगों की सबसे प्रभावशाली सूची में भारत के 3 लोगों को शामिल किया गया है, ठीक है। 15 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा, सॉरी अंडरलाइन करना है, पीएम मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल बनाया है? तो आंसर है संसद टीवी। क्या नाम रख दिया उसका? संसद टीवी। 15 सितंबर 2021 को किसने ड्राई राशन योजना शुरू की है? तो आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने ड्राई राशन योजना शुरू की है। 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है
अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस और विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या फिर इसे बोलते हैं विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। 16 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है। 16 सितंबर 2021 को किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया? तो आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है। 16 सितंबर 2021 को टाटा स्टील ने CO2 कैप्चरिंग के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ लागू चालू किया है? तो आंसर है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में टाटा स्टील के द्वारा बना हुआ भारत का पहला CO2 कैप्चरिंग प्लांट लगाया गया। 16 सितंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया? तो आंसर है उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया को जो है शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है। 16 सितंबर 2021 को यूएस और यूके और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदार ऑकर AUKUS ऑकस, ठीक है, ऑकस का गठन किया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो तीन लोग हैं इसमें, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर एक यूएस है और एक यूके है। ठीक है, तो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर जो है ऑकस जो है गठन किया है। 16 सितंबर 2021 को भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ चालू किया गया? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PEM प्लांट चालू किया गया। 16 सितंबर 2021 को आयोजित 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर है कृष्ण पाल गुज्जर। तो कृष्ण पाल गुज्जर ने जो है 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक का आयोजन किया या प्रतिबंधन किया है। 16 सितंबर 2021 को भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो है यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। 16 सितंबर 2021 को किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो आंसर है इंफोसिस। 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो दो दिवस मनाए जाते हैं, कब? 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और हैदराबाद मुक्ति दिवस। ठीक है, 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग गठन SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुशांगवे जो कि तजाकिस्तान में है, यहाँ पर संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक का आयोजन किया गया। 17 सितंबर 2021 को किसने अगले 3 वर्षों में 5,000 EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो HPCL। तो HPCL ने 5,000 EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। 17 सितंबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो आंसर है बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है 17 सितंबर को जो है फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा था। 17 सितंबर 2021 को किसने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म TYNKER का अधिकरण किया है? तो बायजूस। तो बायजूस ने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म TYNKER का अधिकरण कर लिया है। 17 सितंबर 2021 को किसने DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो आंसर है इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा को जो है DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। 17 सितंबर 2021 को किस राज्य में स्थित गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। 17 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने EV रामा सामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने जो है EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है। 18 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व बांस दिवस। तो विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर है शेफाली जैनुजा। तो शेफाली जैनुजा जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की अध्यक्षा बन गई है। ठीक है,
ये भारतीय हैं। 18 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है अलका नगिया अरोड़ा को। तो अलका नगिया अरोड़ा को जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। 18 सितंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? तो आंसर है कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं। ठीक है, बिन मतलब कि डस्टबिन की बात हो रही है, तो कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं, ये थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस की। ठीक है, ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। 18 सितंबर 2021 को एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? आंसर है पंकज अडवाणी और आमिर शरखोश ने को हराकर। तो पंकज अडवाणी ने आमिर शरखोश को हरा कर के जो है एशियन स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया। 18 सितंबर 2021 को पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जल निगरानी दिवस। तो विश्व जल निगरानी दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम थी पानी का महत्व। 18 सितंबर 2021 को भारत का 61वां सेफ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क केंद्र कहाँ खोला गया? तो आंसर है कोहिमा, मतलब कि नागालैंड में। तो नागालैंड कोहिमा नागालैंड में जो है 61वां भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क खोला गया है। 18 सितंबर 2021 को कहाँ खादी और ग्राम उद्योग आयोग के कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए SPIN योजना शुरू की गई है? तो आंसर है वाराणसी। तो वाराणसी में जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए SPIN योजना शुरू की है। 18 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने किसे सशक्त विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो आंसर है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को जो है संयुक्त राष्ट्र ने सशक्त विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है। 18 सितंबर 2021 को किस राज्य की शिरा साखोम हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरा, मतलब ये तीन चीजों के नाम है, को GI टैग दिया गया? तो आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर के ये तीन चीजें हैं, शिरा सा खोम हाथी मिर्च और तीसरा है तामेंग लोंग संतरा। ठीक है, तीन चीजें हैं, इनको जो है GI टैग मिला है मणिपुर के हैं। 18 सितंबर 2021 को किसने विकास अधिकारों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए PRAGATI प्रगति नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर है LIC। तो LIC ने जो प्रगति नामक ऐप को लॉन्च किया है। 19 सितंबर 2021 को किस राज्य ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। 19 सितंबर 2021 को बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है? तो आंसर है दिव्या अग्रवाल। तो दिव्या अग्रवाल जो है बिग बॉस OTT की पहली विनर बन गई है। 19 सितंबर 2021 को किस देश के लॉ पाल्मा द्वीप में स्थित कब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? तो आंसर है स्पेन। तो स्पेन में स्थित पाल्मा द्वीप में जो है कब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। 19 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य का मछली मछली घोषित किया है? तो आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम ने जो है कैटली मछली को जो है राज्य का मछली घोषित कर दिया है। 19 सितंबर 2021 को मनिका शेयो कंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा के मनिका शेयो कंद को जल संरक्षण के लिए राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 19 सितंबर 2021 को किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरी के में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने की विधेयक को मंजूरी दी है? तो आंसर है झारखंड। तो झारखंड सरकार ने जो है स्थानीय निवासियों के लिए 75% कोटा को मंजूरी दे दी है। 19 सितंबर 2021 को भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी? तो शिवानी मीणा। तो शिवानी मीणा जो है उत्खनन इंजीनियर बनी है पहली भारत की। ठीक है, 19 सितंबर 2021 को भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके भागीदारी की है? तो आंसर है बायजूस। तो बायजूस के साथ मिलकर के नीति आयोग ने जो है 112 जिलों को
मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई है। 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2021 में शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 46 रहा है। 46वें स्थान पर हमारा कौन रहा है? भारत रहा है। 20 सितंबर 2021 को किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है गौतम अडानी। तो गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 20 सितंबर 2021 को भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? राजा ऋतिक। तो राजा ऋतिक जो है 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। 20 सितंबर 2021 को भारत और भारत के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो आंसर है अनुपम खेर। तो अनुपम खेर को जो है अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने हिंदू अध्ययन करने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे दी है। 20 सितंबर 2021 को फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है राजीव अग्रवाल। तो राजीव अग्रवाल को जो है फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 20 सितंबर 2021 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच जो है नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया जिसका नाम था समुद्र शक्ति। क्या नाम था? समुद्र शक्ति। 20 सितंबर 2021 को FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर है गुजरात। तो गुजरात राज्य जो है शीर्ष पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया गया। 21 सितंबर 2021 को जारी ICC महिला बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो आंसर है मिताली राज। तो मिताली राज जो है ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रही है। 21 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य कौन देश बना है? तो आंसर है ईरान। तो ईरान देश जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बन गया है। 21 सितंबर 2021 को अफ्रीका और रूस स्थित दो चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो आंसर है गीता समोता। तो गीता समोता जो है अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों पर फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई है। 21 सितंबर 2021 को IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है IPL में जो है एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 21 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो आंसर है कानून और न्याय मंत्रालय। तो कानून और न्याय मंत्रालय ने जो है एक पहल नामक अभियान शुरू किया है। 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है SV सरस्वती। तो SV सरस्वती को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 22 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व राइनो दिवस। तो विश्व राइनो दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया गया है। 22 सितंबर 2021 को सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो है सना रामचंद्र गुलवानी जो है पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। 22 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। 22 सितंबर 2021 को नार्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भारत के DK गोमेश ने जो है नार्वे शतरंज ओपन 2021 में मास्टर वर्ग का खिताब जीत लिया है। 22 सितंबर 2021 को भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो आंसर है कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी। तो देखो तमिलनाडु और पुदुचेरी के जो है दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिला है। नाम क्या है? कोवलम और ईडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2021 को सूचना के अनुसार छह गांव
छह गांव नाम है ये, ठीक है। छह गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो वो कहाँ है? असम में। तो असम में छह गांव, असम के छह गांव में जो है चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। 23 सितंबर 2021 को बी सिंह फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस बी शाइन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, की थीम के साथ ये दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को किस देश की फेरोज फैजा बीथर को वर्ष 2021 का चैम मेकर अवार्ड मिला है? तो आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के फिरोज फैजा बीथर को जो है वर्ष 2021 का चैम मेकर अवार्ड मिला है। 23 सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। 23 सितंबर 2021 को दोहा में आयोजित IBSF सिक्स रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है पंकज अडवाणी। तो पंकज अडवाणी ने दोहा में आयोजित IBSF सिक्स रेड स्कूनर विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। 23 सितंबर 2021 को जारी ICC पुरुष T20 की आधिकारिक एथम गीत लिव द गेम को किसने तैयार किया? तो आंसर है अमित त्रिवेद ने। तो अमित त्रिवेद ने जो है ICC पुरुष T20 के लिए आधिकारिक एक गाना तैयार किया है, उसका थीम है लिव द गेम और लव द गेम। 23 सितंबर 2021 को SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो आंसर है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को जो है SDG प्रगति पुरस्कार दिया गया है। 23 सितंबर 2021 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, ठीक है, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ जो है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च हुआ है। 24 सितंबर 2021 को हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहला है बात ही है, ठीक है। तो आंसर है लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख में जो है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण किया गया। 24 सितंबर 2021 को जारी UN खाद्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो आंसर है यमन। तो यमन देश में जो है UN खाद्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जो है 16 मिलियन लोग जो है भुखमरी की ओर बढ़ गए हैं। 24 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। 24 सितंबर 2021 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसने नाम पर रखा है, ठीक है। तो आंसर है अंटार्कटिका खोजकर्ता मैथ्यू हेसन। तो अंटार्कटिका खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर मिला है, उसका नाम रखा गया है। 24 सितंबर 2021 को किस देश के गार्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर है यूके। तो यूके देश के गार्डन ब्राउन को जो है ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है। 14 सितंबर 2021 को चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो आंसर है चेतन भगत। तो चेतन भगत ने जो है 400 डेज नामक एक पुस्तक लिखी है। 24 सितंबर 2021 को किस राज्य ने अमर वुड मतलब कि लकड़ी है, एक अमर वुड व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अमर वुड नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो आंसर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सरकार ने जो है अमर वुड लकड़ी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अमर वुड नीति 2021 शुरू की है। 24 सितंबर 2021 को कहां दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश के कांजा में। तो हिमाचल प्रदेश के कांजा में जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन है। 24 सितंबर 2021 को खादी और ग्रामोदय आयोग ने
उड़ीसा के किस शहर में पहला रेशम यौर्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो आंसर है कटक। तो कटक जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर रेशम यार्न उत्पादन केंद्र बनाया गया है। 24 सितंबर 2021 को यूएस आधारित जंगल नामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी की है? तो आंसर है अमिताभ घोष ने। तो अमिताभ घोष ने जो है जंगल नामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक जारी की है। 24 सितंबर 2021 को बिल एंड मेलिडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो आंसर है फिम जिले मलाम्बो एंग उनका। ठीक है, तो थोड़ा अटपटा नाम है, तो अटपटा नाम होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको देखते ही आप आंसर टिक मार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के में किस सत्र को संबोधित किया? तो आंसर है 76वें सत्र को। ठीक है, तो 76वें सत्र को किसने संबोधित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली में जो है पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ है 25 सितंबर को। 25 सितंबर 2021 को भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर है जयपुर। तो जयपुर में पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। 25 सितंबर 2021 को किन की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया? तो आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया। 25 सितंबर 2021 को जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो डेनमार्क जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 2021 में शीर्ष पर रहा है, और भारत का स्थान 59वां रहा है। 25 सितंबर 2021 को कहां राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? तो आंसर है कोहिमा। तो कोहिमा में जो है राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। 25 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो आंसर है भूटान। तो भूटान ने जो है भारत ने भूटान के साथ मिलकर के छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है। 25 सितंबर 2021 को किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आंसर है शुभम कुमार। तो शुभम कुमार ने जो है सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है 2021 की में, और ये कटिहार बिहार के हैं। कहाँ के? बिहार के हैं। 25 सितंबर को। 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व नदी दिवस और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व नदी दिवस और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य की शोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो आंसर राजस्थान। तो राजस्थान की शोजत मेहंदी को जो है GI टैग मिला है। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत की है? तो आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने जो है समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप की शुरुआत की है। 26 सितंबर 2021 को उत्तर भारत का सबसे बड़ा पोमेटम पेड़ की किस्म पोम उगाने का स्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है भारत के सबसे बड़ा पोमेटम या पेड़ की किस्म पाम को उगाने का उद्घाटन किया गया है। 26 सितंबर 2021 को भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका और भारत ने मिलकर के हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स बनाने का शुभारंभ किया है। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो आंसर है केरल। तो केरल के मुख्यमंत्री ने मिलकर के बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। 26 सितंबर 2021 को एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउट स्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो आंसर है HDFC। तो HDFC बैंक को जो है एशिया मनी द्वारा जारी किए गए सर्वे के अनुसार मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया है।
26 सितंबर 2021 को सीबीएसई ने किस आईआईटी से मिलकर के ऑनलाइन श्रृंखला एक लव्य शुरू की है? तो आंसर है आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर के सीबीएसई ने जो है श्रृंखला एक लव्य शुरू की है ऑनलाइन की। 27 सितंबर 2021 को किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 27 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर 2021 को पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो आंसर है अमित शाह। तो अमित शाह ने जो है 27 सितंबर को जो है विश्व सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया है। 27 सितंबर 2021 को किस राज्य ने नारा खीरा को जीआई टैग दिया है? तो आंसर है नागालैंड। तो नागालैंड सरकार ने जो है नागा खीरा को जो है जीआई टैग दिया है। 27 सितंबर 2021 को रूसी ग्रैंड प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने जो है रूसी ग्रैंड प्री जीत लिया है, रूसी ग्रैंड प्री। 27 सितंबर 2021 को T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर विराट कोहली। विराट कोहली जो है T20 क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 27 सितंबर 2021 को डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया। 28 सितंबर 2021 को ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता है? तो आंसर है सानिया मिर्जा और झांग सुआई। तो झांग सुआई और सानिया मिर्जा ने जो है ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब जीत लिया है। 28 सितंबर 2021 को वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने किसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन को जो है वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर इंक ने इसे जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? तो आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जो है बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान का नाम गुलाब रखा है। 28 सितंबर 2021 को किनकी पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर की पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया गया कब? 28 सितंबर को। 28 सितंबर को किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है DRDO। तो DRDO ने जो है आकाश प्राइम नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, कहां पर? चांदीपुर उड़ीसा में। आगे चलते हैं। 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है विश्व हृदय दिवस। तो विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को मनाया गया। 29 सितंबर 2021 को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीमा बेन आचार्य जो है गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। 29 सितंबर 2021 को भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर है कोलकाता में। तो 29 सितंबर को जो है भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता में संपन्न किया गया। 29 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? तो आंसर है लाड़पुरा। तो लाड़पुरा को जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश के गांव को सबसे खूबसूरत गांव चुना गया है। 30 सितंबर 2021 को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIME के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है CK रंगनाथन। तो CK रंगनाथन को जो है अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष चुना गया है। 30 सितंबर 2021 को यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम थी इस बार की यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, और ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2021 को किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए Landsat 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो आंसर है नासा। तो नासा ने जो है पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए Landsat उपग्रह लॉन्च किया है।
30 सितंबर 2021 को किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हंगसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर है उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल हंगसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 30 सितंबर 2021 को सी फेरिस एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 30 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी शी फेयर्स शिपिंग फ्यूचर द एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ये नाम याद रखिए पूरा, ठीक है। 30 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के लिए भारी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है भारत को। तो भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा भारी लेखा परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया, परीक्षक के लिए नियुक्त किया गया। 30 सितंबर 2021 को यूरोप को हराकर किसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका ने जो है राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। 30 सितंबर 2021 को किस राज्य के जुडीमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर है असम। तो असम के जुडीमा राइस वाइन को GI टैग दिया गया है। 30 सितंबर 2021 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च की है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है निधि 2.0 लॉन्च की है। 30 सितंबर 2021 को विश्व वर्ष 2021 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप पटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो आंसर है 11। तो 11 जो है 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप पटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आज की सीरीज फिनिश करते हैं इस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों कि आप मेहनत करते रहेंगे तो 100% आपको सफलता जरूर 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 मिलेगी, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।